गुड मॉर्निंग क्लास यूके जी, सी इन माई कॉपी एंड लिसन टू मी। दीज आर स्टोरी प्रॉब्लम्स, सो यू लिसन सीरियसली। पहले प्रॉब्लम की रीडिंग करेंगे, आप समझेंगे उसको, तब फिर सॉल्व करेंगे। ओके, हो सकता है कि एग्जाम में ये डिजिट मैं चेंज करके भी दे सकता हूं, इसलिए आपको समझना जरूरी है। तो स्टार्ट हुआ जाए। टी एच ई आर ई देयर, ए आर ई आर देयर आर एट, आर ए डबल बी आई टी एस रैबिट्स। यहां पे है बेटा फुल स्टॉप। थ्री ओ एफ ऑफ टी एच ई एम देम, थ्री ऑफ देम आर ए एन रैन ए डब्ल्यू ए वाई अवे, थ्री ऑफ देम रैन अवे, कोई फुल स्टॉप है यानी यहां रुक जाना है, सेंटेंस कंप्लीट। आगे एच ओ डब्ल्यू हाउ एम ए एन वाई मैनी, हाउ मैनी आर ए डबल बी आई टी एस रैबिट्स ए आर ई आर एल ई एफ टी लेफ्ट एन ओ डब्ल्यू नाउ। अब थोड़ी हिंदी समझिए क्या ये कह रहे हैं। कह रहे हैं कि देयर आर एट रैबिट्स, यानी एट रैबिट्स हैं। रैबिट जानते होंगे आप, खरगोश। एट रैबिट्स हैं, थ्री ऑफ देम रैन अवे, उनमें से तीन भाग गए, रैन अवे मतलब भाग गए, उनमें से तीन भाग गए। तो हाउ मेनी रैबिट्स आर लेफ्ट नाउ, नाउ अब हाउ मेनी रैबिट्स आर लेफ्ट, कितने रैबिट बचे। शुरू में बेटा कितने रैबिट थे, टोटल एट। थ्री रैबिट क्या किए, उस ग्रुप में से निकल के भाग गए। तो पूछ रहे हैं आपसे कि अब कितने रैबिट्स बचे। तो देखिए जो लेफ्ट वर्ड इसमें आ गया, इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका काम बड़ा इजीली कंप्लीट होगा। ये चल नहीं रहा है, चला ठीक, लेफ्ट वर्ड है। शुरू में कितने रैबिट थे, एट। कितने भाग गए, थ्री। तो आप एट माइनस एट माइनस कितने भागे, थ्री। भाई मैं आपको पढ़ाने में बताता था ना कि आपके पास कितने बैलून्स हैं, कितना आपने सिस्टर को दे दिया, तो आपके पास कितने बैलून्स बचे या लेफ्ट हुए। तो वही बात है, यहाँ पे रैबिट हैं, एट हैं और थ्री उनमें से भाग गए, तो अब कितने रैबिट्स बचे। माइनस कर देंगे, कैसे माइनस करेंगे, देखिए अपर नंबर बिगर है, लोअर नंबर स्मॉलर है, तो बस सिंपल आप माइनस कर देंगे। आफ्टर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अपर नंबर आ गया, काउंट करके कितनी लाइन्स में राइटिंग कर देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। तो यहाँ पे हम राइटिंग कर देंगे फाइव। फाइव क्या,
कंप्लीट आंसर चाहिए, रैबिट्स, कैसे, आर ए डबल बी आई टी एस रैबिट्स। अगर आप ये चीज नहीं राइटिंग करेंगे तो नंबर कटेगा। सेकेंड प्रॉब्लम देखिए, देयर आर टी एच ई आर ई देयर ए आर ई आर देयर आर सिक्स बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन टी ई डबल डी वाई टेडी बी ई ए आर एस बी आर देयर आर सिक्स ब्राउन टेडी बियर, मतलब सिक्स टेडी बियर ब्राउन है, ब्राउन कलर के हैं। ए एन डी एन सी ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज टी ई डबल डी वाई टेडी बी ई ए आर एस बियर एंड और थ्री ऑरेंज कलर के टेडी बियर्स हैं। सिक्स टेडी बियर्स ब्राउन कलर के हैं और थ्री टेडी बियर्स ऑरेंज कलर के हैं, ठीक है। तो एच ओ डब्ल्यू हाउ एम ए एन वाई मैनी हाउ मैनी टी ई डबल डी वाई टेडी बी ई ए आर एस बियर्स ए आर ई आर टी एच ई आर ई देयर। तो पूछ रहे हैं कि अब कुल कितने टेडी बियर्स वहां हैं, अब कितने टेडी बियर्स हाउ मेनी यानी कितने टेडी बियर्स आर देयर वहां पर हैं, कितने टेडी बियर्स वहां हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि टेडी सिक्स टेडी बियर्स किस कलर के हैं, ब्राउन कलर के है ना, ब्राउन कलर वाले टेडी बियर्स सिक्स है, सिक्स। और ऑरेंज कलर वाले टेडी बियर्स कितने हैं, थ्री। अब ये आपसे पूछ रहे हैं बेटा कि वहां आप कुल कितने टेडी बियर्स हैं, तो क्या कर देंगे, सिक्स प्लस थ्री प्लस कर देंगे। स्मॉलर नंबर क्या है दोनों में, थ्री है, तो थ्री को फिंगर पर काउंट कर लेते हैं, थ्री लाइंस वन टू थ्री। अब क्या करेंगे, दूसरे हाथ की फिंगर को सिक्स पर रखेंगे और क्या बोलेंगे, आफ्टर सिक्स सेवन एट नाइन, और यहां पर नाइन राइटिंग कर दिया। यहां क्या राइटिंग करेंगे, टेडी बियर्स टी ई डबल डी वाई बियर्स बी ई ए आर एस बियर्स। ओके, ये टू प्रॉब्लम्स है और बाकी ये प्रॉब्लम्स आप रीडिंग करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम अब बहुत नज़दीक है, इसलिए थोड़ी मेहनत बढ़ा दीजिए। ओके, समझ समझ के करिएगा और लेफ्ट वर्ड पर ध्यान दीजिए, अगर लेफ्ट वर्ड यूज किया गया तो समझ जाइए कि माइनस है और नहीं यूज किया गया लेफ्ट तो समझिएगा कि प्लस है। बस।